नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज़। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पर प्रसपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया एवं जल समस्याओं के तत्काल निस्तारण को लेकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रसपा के नेताओं ने मंच के माध्यम से सरकार को जमकर कोसा और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। जन समस्याओं को तत्काल निस्तारण को लेकर राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। विश्वास भी टकरा गया और उन्हें भी पर्ची हाथ में लेनी पड़ी। ये पहली प्रेस वार्ता थी जिसमें अखिलेश यादव जी ने इस कागज पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ा। तो आप ये मान लीजिए ये किस तरह का ठगबंधन है जो एक नेता का आप विश्वास चढ़ा गया। मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कुछ भी बताना निश्चित रूप से मानिए कि अपनी ऊर्जा को खत्म करना है, क्योंकि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि झूठ और फरेब की राजनीति कितने दिनों तक चल सकती है। उन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, लोहावने वादे किए, लोगों से झूठ बोला। और सबसे बड़ी दुख की बात जो मुझे लगती है, जो यहाँ बैठे हमारे हजारों साथियों को लगती है, वो निश्चित रूप से ये लगती है कि राष्ट्र राष्ट्र प्रेम का जो ठेका भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं